इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सुनिए क्या कर रहे हैं आप? ये दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारा बोरिया बिस्तरा पैक कर रहा हूँ। तुम्हारी जैसी जाहिल और गवार के बच्चे को ना बाप नहीं बनना चाहता मैं। हमें माफ कर दीजिए, हमें कहीं नहीं जाना है। सुनिए तो सही, हमें कहीं नहीं जाना है। खुदा के नाम पे रहम कीजिए हम पे। तुम्हें तो मैं यहाँ से निकाल के रहूंगा और देखता हूँ कौन तुम्हें यहाँ रोकता है। हम पे रहम कीजिए, निकलो यहाँ से। हमें कहीं नहीं जाना, छोड़िए छोड़िए। अम्मी देखिए ना इन्हें, ये हमें घर से बाहर निकाल रहे हैं। आपके पैर पड़ते हैं, आप हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी बीवी हूँ। नहीं तुम हमारी बीवी हो और ना ही हम तुम्हारे शौहर। मैं रिजवान कादरी बिन मंसूर कादरी अभी सबा आलम को इसी वक्त तलाक देता है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, सब खैरियत है? हाँ जी सब खैरियत। अम्मी मैंने आपको कुछ फोटोज भेजे थे, वो देखे आपने? लड़की कैसी लगी? देख रिजवान, तू मुंबई में है इसका ये मतलब नहीं कि बहू भी वहीं से लाएगा। मुझे खूबसूरत और ट्रेडिशनल लड़की चाहिए, इतनी अल्ट्रा मॉडर्न लड़की के साथ हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अब बात को समझिए, मेरे को ना ऑफिस में अपना स्टेटस भी मेंटेन करके रखना है। रिजवान तू पहले जिद करके घर से इतनी दूर मुंबई में रह रहा है, लेकिन इस मैटर में मैं तेरी एक सुनने वाली नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, बताओ क्या करना है। मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है। मेरा रिजवान मुंबई की IT कंपनी में काम करता है। वैसे तो बहुत नखरे हैं उसके, लेकिन अपनी अम्मी की कोई बात नहीं टालता। वैसे सबा कितनी पढ़ी लिखी है? जी इंटर पास है, मदरसे से तालीम ली है इसने, और घर के कामों में तो हमारी सबा अव्वल है अव्वल। रसोई, कढ़ाई, बुनाई सब अच्छे से जानती है, और दीन ईमान की तो इसे पूरी तालीम है। बस यही तो एक हुनर चाहिए लड़की में जो घर को जन्नत बना सके। बाकी तो मेरा रिजवान है ही ना वहाँ इसको तौर तरीके सिखाने के लिए। अच्छा तो इंग्लिश आती है आपको? वो बस अंग्रेजी में दस्तखत भर कर लेती है। अरे इतना ही काफी है, नौकरी थोड़े ना करानी अपनी बहू से हमें। मुझे जो सब चाहिए था सबा में सब कुछ है। मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का। क्या आपने रिश्ता भी फाइनल कर दिया? अम्मी आप ये कर कैसे सकती हैं? और आपने मुझसे पूछा तक नहीं, और वो भी गाँव की लड़की से। मुझे ये निकाह नहीं करना। एक बार तू उसकी फोटो तो देख ले, आलिया ने व्हाट्सएप की है, पसंद नहीं आए तो फिर कहना। वाह, इसे देखकर पता ही नहीं चल रहा कि ये गांव की है। सुंदर भी है और अट्रैक्टिव भी। ऑफिस के कलीग्स देखेंगे तो तंग रह जाएंगे। अम्मी भाई का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, तमीज और तहजीब भी है लड़की में, कल्चर्ड है और सीधी भी। अम्मी अब आपसे बहस में कोई जीत सकता है क्या? अब आप ही की खुशी में मेरी खुशी है। अच्छा अम्मी मैं निकलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। खुदा हाफिज। निकाह के बाद 15 दिन का ब्रेक, काम का प्रेशर बढ़ गया है। होप तुम बोर नहीं हुई होगी। घर की साफ सफाई करते करते कब पता ही नहीं चला। ओह, ड्रेसेस भी आ गए। Nice. ये पहनकर दिखाओ जरा, फिटिंग कैसी है। अरे देख क्या रही हो, जल्दी पहनकर दिखाओ। ये क्या है? क्या है मतलब? ड्रेस है। नेक्स्ट मंथ गोवा हनीमून प्लान किया है, अब वहाँ तुम सलवार कमीज थोड़ी ना पहनकर जाओगी। अब मैंने पहन के लोगों के सामने कैसे जाएंगे? What do you mean? पहनकर कैसे जाओगी? अब बुर्खा थोड़ी ना पहनकर जाओगी। यार मैंने तुम्हें बिकनी थोड़ी ना पकड़ाई है जो तुम इस तरह रिएक्ट कर रही हो, और मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मुझे कोई एतराज नहीं है, तो तुम इतनी क्यों परेशान हो रही हो? हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, ऐसे कपड़े हमने पहले कभी नहीं पहना है। सिर्फ पहन के तो हम आपके सामने भी नहीं आ सकते, फिर बाहर पराए लोगों के सामने नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तुमसे नहीं हो पाएगा ना, तो हमसे भी तुम्हारे साथ हनीमून नहीं हो पाएगा। लेट्स कैंसिल द ट्रिप ऑल टुगेदर। और ये तुम ना घर के काम काज में लगी रहो, इसी के लिए बनी हो तुम। आइए। गुड इवनिंग। शादी की बहुत बहुत मुबारक वंस अगेन। कांग्रेचुलेशंस। शुक्रिया। हाय हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। नाइस टू मीट यू। लॉन्ग टाइम यार। मैं आपके लिए ड्रिंक्स लेके आता हूँ। अरे रिजवान, भाभी को तो तुमने ईद के चांद की तरह छुपाया हुआ है, जरा दर्शन तो कराओ। अरे लेडीज का पता तो है, सजने संवरने में कितना टाइम लगाती हैं, है ना। वेट, मैं अभी देख के आता हूँ। रिलैक्स भाभी, हम रिजवान की तरह कमीने नहीं हैं, हमारी नजर आपको नहीं लगेगी। ये क्या बकवास है? अब ये बुर्खा क्यों पहना हुआ? प्लीज अब नाराज मत होइए, बाहर सब अनजान है हमारे लिए। बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती करोगी? इसमें बेइज्जती क्या है, हम तो पर्दे में थे, सलीके से। सलीका माय फूल! ये मुंबई शहर है, तुम्हारा गांव देहात नहीं है जो गवारों की तरह पेश आ रही हो। अब प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए ना, बाहर इतने सारे अनजान लोग थे, उनके सामने मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? हमें बहुत घबराहट हो रही है। अपनी बकवास ना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। वो जो बाहर आया है ना, वो मेरा बॉस है और बाकी सब मेरे कलीग्स। क्यों मेरी रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ाने पर तुली हो? उनसे बहस करने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। इसे चुपचाप निकालो और वो ड्रेस पहनो जो मैंने तुम्हारे लिए ऑनलाइन ऑर्डर की थी, समझे? नहीं तो इन सबके सामने धक्के मारकर तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। इतनी इंसल्ट करा दी, कुछ और से। अरे रिजवान, मुझे भाभी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा लगा। आई मीन बुर्खा एंड ऑल। लो जी, दुल्हन आ गई। वैसे नॉट बैड, चांद की झलक दिख गई। हाय, आई एम रॉबिन डिकोस्टा, रिजवान का बॉस। And she's my wife. जेसिका। नाइस टू मीट यू। हाय भाभी, ये इशरत और मैं कुणाल। आइए ना, बैठिए ना प्लीज। अच्छा भाभी, रिजवान बोल रहा था आज खाने में चिकन बिरयानी बनी है, और हाँ बहुत तारीफ भी कर रहा था कि आप बहुत अच्छा बनाती हो, तो खाते हैं प्लीज। भाभी क्या सॉलिड बिरयानी बनाई है आपने, पक्का ये ऑनलाइन तो ऑर्डर नहीं किया ना? नहीं, क्योंकि ये बाहर के रेस्टोरेंट्स को भी फेल कर देगी। अरे भाभी आप क्यों नहीं खा रही, खाइए ना। I swear, कोई ऑफिस पार्टी नहीं है, वरना कितना एम्बैरेसिंग हो जाता। बाहर डिनर पे ले जाने से पहले टेबल एटिकेट सिखा देना अपनी बेचारी को, वरना सबके सामने ना मजाक बन जाएगा। It's all right. अगर ऐसे नहीं खा सकते तो ऐसे खा लीजिए, like this. इस गंवार के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया। कसम से भगवान ने ना तुम्हें चुनकर सैंपल दिया। कहां से उठाकर ले आया मैं इस जाहिल गवार को? मेरी लाइफ जहन्नुम बना दिया आपने अम्मी। कौन से गांव खेड़े से पकड़ कर लेके आए थे आप इस गवार को? किस बात की दुश्मनी निकाली आपने मुझसे? हुआ क्या है रिजवान? क्या हुआ? चार लोगों में उठने बैठने लायक नहीं है, अनपढ़, अंग्रेजी का शब्द तक नहीं जानती है, छुरी कांटा तक पकड़ना नहीं आता इसको, टेबल मैनर्स तक नहीं है, और क्या क्या चीजें गिनवाऊं मैं आपको? मेरी नौकरानी बनने तक की औकात नहीं है इसकी, और आपने इसे मेरी बीवी बना दिया। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? तू मेरी बात करा सबा से, मैं समझाती हूँ। लो आप भी भैंस के आगे बीन बजा लो। सबा, तुझे अपने शौहर के हिसाब से ढलना होगा। एक रिजवान को ही तो खुश रखना है तुझे। तेरे जैसी किस्मत है किसी की? गांव से सीधे इतने बड़े शहर पहुंच गई। अब वहाँ के तौर तरीके तो सीखने होंगे ना। रिजवान से लड़कर निकाह कराया है तुम्हारा। अब प्लीज मेरी इज्जत रख लेना। अब फिक्र मत करो अम्मी, मैं बदलने की पूरी कोशिश करूंगी। खुदा हाफिज। सबा कैसी हो तुम? पता है जब से रिजवान मुंबई आया है तब से घर जैसे रिश्ते हैं हमारे। मुझसे राखी भी बनवाता है वो। मैं समझ सकती हूँ तुम पे कितना प्रेशर है, बट फिक्र मत करो। पता है जब मैं मुंबई आई थी तो मुझे बिल्कुल बोलना नहीं आता था, लेकिन अब देखो ये शहर सब सिखा देता है। मैं तुम्हें भी सब सिखा दूंगी। नहीं भाभी, आप भी फेल हो जाओगी इसके सामने। 2 दिन हो गए, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए कहा था, लेकिन मोहतरमा से तो वेबसाइट भी ब्राउज नहीं होती। ऑर्डर तो खाक करेंगे। थोड़ा सब्र रखना होता रिजवान, ऐसे रातों रात तो कोई नहीं सीख जाता। मुझे भी 1-2 साल लगे थे एडजस्ट होते होते, और फिर सभा को तो 15 दिन ही हुए हैं। हाँ तो बीवी बनाया शादी करके, किसी ग्रूमिंग क्लास में एडमिशन दिलाने तो मैं लाया नहीं हूँ यहाँ पर। ये कौन सा तरीका रिजवान बात करने का? बेचारी अपने घर से इतनी दूर पहली बार आई है, डरी सहमी है। तुम्हारे अलावा कौन है इसका? अब तो है ना, आप भी अपना माथा फोड़ कर देख लीजिए। इतने दिन से मैं भी तो अपना माथा फोड़ कर देख ही रहा हूँ। अगर आपने हाथ नहीं जोड़ लिए ना तो मेरा नाम भी रिजवान है। हार मत मानना सबा, ये आदमी होते ही ऐसे। जिस दिन तू सब कुछ सीख जाएगी ना, उस दिन कुत्ते की तरह दुम हिलाता तेरे पीछे आएगा। अपने अनुभव से बता रही हूँ। सॉरी अम्मी, ऑफिस से टाइम नहीं मिला। बाकी तुम्हें स्टेशन से घर आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मेरी फिक्र छोड़, अपनी बता। तूने सबा से बात करना बंद कर दिया? आते ही कंप्लेंट कर दी। वैसे तो मुंह नहीं खुलता इसका, कंप्लेंट्स के लिए तो बड़ा मुंह खुल रहा है। भाभी ने कुछ नहीं कहा भैया, ये तो अम्मी की आदत है जासूसी करने की। वो अपने पड़ोस में मीना दीदी है ना, जरूर उन्होंने खबर दी होगी। उन्होंने अपनी खबर नहीं दी, मुझसे तो बड़े वादे किए थे कि मैं हूं ना, मैं इसे इतना ट्रेंड कर दूंगी। खाक ट्रेंड किया है। अरे वाह, इतने अच्छे पलके, इतने अच्छे तो मैं भी नहीं बना सकती। खाना तो होटल का खान सामा ही बना लेता है, तो क्या उससे शादी कर लेता मैं? मेरे को सिर्फ एक बीवी चाहिए थी जो मेरे सर्कल में प्रेजेंटेबल हो, जो मेरे साथ पार्टियां अटेंड कर सके। कम से कम इतने एटिकेट्स तो उसमें। भाई आप भी ना, और वो मीना दी, उनके बस की बात नहीं है। वो खुद तो आंटी है, मैं हूँ ना, मैं भाभी को बिल्कुल चुटकी में चकाचक बना दूंगी। वो भी टाइम वेस्ट करके देख ले। अरे बेटा रिजवान, खाना तो पूरा खा के जा। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, क्यों तू मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है? गाँव से तुझे शहर लेकर आई, अब यहाँ के तौर तरीके तो तू खुद भी सीख सकती है ना। पर थोड़ी मेहनत कर ले जब तक मेरी बेटी यहाँ है। भाभी आपने सबसे पहले मुझे अपना वार्डरोब दिखाना, ठीक है? अम्मी, हमारा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, हमें यहाँ नहीं रहना। अम्मी आप हमें बुला लो ना वहाँ पे। सभा, अब रिजवान तुम्हारा शौहर है, उसकी खुशी में ही तुम्हारी खुशी होनी चाहिए। जैसा वो बोलते हैं वैसा किया कर। और कहते हैं ना कि अब बेटा पूरी जिंदगी तुम्हें उसी बड़े शहर में अपने शौहर के साथ काटनी है, तो वहाँ के तौर तरीके, वहाँ का सलीका तुम्हें सीखना ही पड़ेगा, फिर चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। सबा। अम्मी शायद वो आ गए, हम आपके साथ बाद में बात करते हैं। ये पहन लो, हमें इशरत की बर्थडे पार्टी में जाना है। क्या हुआ, पहननी है? नहीं, ऐसी ड्रेस पहन के मम्मी के सामने कैसे जाऊंगी? इसके ऊपर बुर्खा पहन लेना और कारों में बुर्खा निकाल देना। अब रिजवान तुम्हारा शौहर है, उसकी खुशी में ही तुम्हारी खुशी होनी चाहिए। हाय रिजवान, कैसा है? हाय भाभी। वैसे हाँ, माइंड ब्लोइंग लग रही हो आज। अगर यही सेम ड्रेस ना कैटरीना पहनती थी ना, ट्रस्ट मी, वो भी आपके सामने फीकी लगती। हाय पीपल। हाय हाय। वैसे रिजवान तुम बड़े लकी हो। शी इज अ ग्रेट फिगर आउट, यू आर वेरी लकी। सबा, हैव इट। This is my birthday gift for you. अरे ये तो माहौल गर्म हो गया। अब म्यूजिक चालू करो। रिजवान, अगर तुम्हारी बीवी अपने आप को पार्टी में कैरी नहीं कर सकते, उसे साथ रहने की जरूरत नहीं थी। मेरी बात सुनिए। How dare you? जानती हो शख्स कौन था? सुनिए तो। हुआ क्या रिजवान? बहू को क्यों मार रहा है? इसकी हिम्मत तो देखिए, बीच पार्टी में मेरे बॉस को थप्पड़ मारकर आ रही है। गटर का कीड़ा गटर का ही रहता है। मेरा प्रमोशन ड्यू था, लेकिन अब तो लगता है दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी मुझे। सुनिए तो, अब मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? आपके बॉस ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की पार्टी में, वो नशे में थे। Shut up! तुम्हारी ना सोच ही घटिया, इसलिए तुम सबों के अंदर कमियां निकालती हो। रॉबिन सर ऐसा कर ही नहीं सकते, ये चार लोगों में बैठाने लायक नहीं है औरत। इसके साथ एक पल नहीं रहना चाहता मैं, तलाक दे रहा हूं मैं इसे। सुनिए, अब हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। अम्मी, इन्हें समझाइए ना। अम्मी, तंग आ गई हूं मैं तुझसे। अगर रिजवान की नौकरी गई तो तेरे खानदान की औकात तो है नहीं कि कुछ कर सके। बता, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बता। बड़ी गलती हो गई जो मैंने तेरी भोली सूरत देकर अपने बेटे का निकाह तुझसे करा दिया। मेरी मानो तो डिवोर्स इज द बेस्ट ऑप्शन। आप दोनों का कोई मैच नहीं है। मैं आपके काबिल बन के दिखाऊंगी। अब मुझे एक मौका दे दीजिए। तुम्हें जो करना करो, मैं इस घर के अंदर एक छत के नीचे तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता। तुम्हें रहना है रहो, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। सुनिए, क्या कर रहे हैं आप ये? खुदा के लिए हमें माफ कर दीजिए। आप कहेंगे तो हम आपके बॉस से भी हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे। आई एम डन विद यू। मुझे एक सेकंड के लिए ना तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, समझी? सुनिए, सुनिए, हाथ जोड़ते हैं हम आपके आगे। सुनिए, ऐसे मत जाइए आप। हमसे गलती हुई है, हम जो सजा देंगे आप हम मान लेंगे। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। शादी, निकाह, मैरिज, ये वो गाड़ी जिसके दोनों पहिए बराबर ना हो तो जिंदगी चलाने में बड़ी दिक्कत आती है। सबा अलीगढ़ के एक छोटे से गांव मीरपुर की रहने वाली थी। अपना घर परिवार छोड़कर वो मुंबई जैसे बड़े शहर में आती है, लेकिन यहाँ आते ही उसे ये उम्मीद की जाती है सारे एडजस्टमेंट्स वही करें। आप चाहे किसी भी बड़े शहर में रहने क्यों न जाए, लेकिन अपना रहन सहन बदलना हर किसी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, और यही सभा के साथ भी हो रहा था। हालांकि वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन गांव के माहौल से निकलकर मुंबई जैसे बड़े शहर में आना और अपना रहन सहन बदलना, वो भी रातों रात, थोड़ा सा मुश्किल होता है। जिस काम के लिए 1 या 2 साल लगना बहुत ही स्वाभाविक है, अब उसी काम के लिए सभा से हफ्तों में करने की उम्मीद की जा रही थी। ये रिजवान का अहंकार ही था कि वो अपनी पत्नी को अपने हिसाब से बदलना चाहता था, जिसके लिए वो उस पर जोर जबरदस्ती कर रहा था। फातिमा यही चाहती थी कि उसे एक घरेलू बहू मिले, लेकिन अपने बेटे की बातों में आकर, उसके मोह माया में आकर, वो भी उसी की भाषा बोलने लगी थी। रिजवान खुद को हाईली एजुकेटेड और अपमूविंग सोसाइटी का कहता था, लेकिन जिस तरह से वो अपनी पत्नी के साथ व्यवहार कर रहा था, उसे देखने के बाद हमें यही लग रहा था कि वो बहुत ही जाहिल किस्म का इंसान है। क्या सबा रिजवान की इस उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी, या क्या उसकी जिंदगी बद से बदतर बन जाएगी? आइए देखते हैं। बस भी करो रिजवान, कितना पियोगे? मुझे माफ कर दो इशरत, तुम्हारा शादी का प्रपोजल ठुकरा कर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शायद इसी की सजा मिल रही है मुझे, जो वो गवार मेरे पल्ले पड़ गई। लेकिन मैं भी क्या करता, अम्मी तुम्हारे लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुई थी। उनके हिसाब से तुम बहुत मॉडर्न थी, और उनकी तबीयत को देखते हुए मैं भी उनसे जिद नहीं कर पाया तुम्हारे लिए। लेकिन मैं कहीं गई नहीं हूँ, मैं यही हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने का पूरा मौका दूंगी। मैं तुमसे शादी भी करूँगी, पर उससे पहले तुम्हें सबा को तलाक देना पड़ेगा। मैडम, आप रिजवान साहब से नहीं मिल सकती हैं, अभी वो बिजी हैं और उनकी सेक्रेटरी ने कहा है उनकी किसी के साथ कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। आपने बोला नहीं कि सबा आई है? जी मैडम, मैंने बताया आपका नाम, लेकिन साहब बिजी हैं और मैंने खुद देखा कि साहब ने अंदर से हाथ हिलाकर जाने के लिए कहा है। अच्छा, ये कहिए कि उनकी बीवी आई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस आने की? हाँ, इतनी मुश्किल से मैंने अपनी नौकरी बचाई है, तुम चाहती क्या हो ये फिर से चली जाए? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। और वापस आ जाइए, आपको खुदा का वास्ता। ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। आज इशरत के यहाँ पे पार्टी है, तुम्हें वहाँ तैयार होकर आना है और अपने आप को कैरी करना है और सबको इम्प्रेस करना है। अगर तुमने वहाँ सबको इम्प्रेस कर लिया तो मैं वापस आने की सोचूंगी। हाय रिजवान, कैसा है? ठीक है। हाय भाभी। सर, हमें उस दिन के लिए माफ़ कर दीजिए। वो बात ये है ना कि हम छोटे शहर से हैं, मुंबई जैसा माहौल हमने पहले कभी देखा ही नहीं है, इसीलिए यहाँ के तौर तरीके समझने में हमसे गलती हो गई। नॉट एन इशू, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। Let's drink for our new friendship. ये तो शराब है, हम इसे नहीं पी सकते। Oh come on रिजवान, तुम्हारी बीवी फिर से पार्टी का मजा किरकिरा कर रही है। तुमने तो कहा था कि सब कुछ सीख चुकी। सबा, यहाँ आप सीन क्रिएट मत करो, पर तुम शायद भूल रही हो तुम्हारा आखिरी मौका है। हम ये नहीं पी सकते, हम मां बनने वाले हैं। हम एक से हैं। वाह भाभी, कांग्रेचुलेशंस यार, बड़ी जल्दी तुझे बाप बनने की। एटलीस्ट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग तक तो रुक जाता है। खैर कोई बात नहीं, कांग्रेचुलेशंस एंड यू ऑल्सो। क्या प्लानिंग की है तुमने मुझसे शादी का? पहले तुम बाप बनोगे और फिर हस्बैंड। इट्स बेटर कि अपनी वाइफ को लेके यहाँ से चले जाओ। सुनिए सुनिए, क्या क्या कर रहे हैं आप? ये दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारा बोरिया बिस्तरा पैक कर रहा हूँ। तुम्हारे जैसे जाहिल और गवार के बच्चों को बाप नहीं बनना चाहता मैं। हमें माफ कर दीजिए, हमें कहीं नहीं जाना है। सुनिए तो सही, हमें कहीं नहीं जाना है। खुदा के नाम पे रहम कीजिए हम पे। तुम्हें तो मैं यहाँ से निकाल के रहूंगा और देखता हूँ कौन तुम्हें यहाँ रोकता है। हम पे रहम कीजिए, निकलो यहाँ से। हमें कहीं नहीं जाना, छोड़िए हमें देखिए ना, ये हमें घर से बाहर निकाल रहे हैं। आपके पैर पर हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी बीवी हूँ। नहीं तुम हमारी बीवी हो और नहीं हम तुम्हारे शौहर। मैं रिजवान कादरी बिन मंसूर कादरी अभी सबा आलम को इसी वक्त तलाक देता हूँ। तलाक तलाक तलाक। नहीं हो, मेरी नौकरानी बनने तक की औकात नहीं है इसकी, और आपने इसे मेरी बीवी बना दिया। रिजवान से लड़कर निकाह कराया है तुम्हारा, अब प्लीज मेरी इज्जत रख लेना। अब रिजवान तुम्हारा शौहर है, उसकी खुशी में ही तुम्हारी खुशी होनी चाहिए। रहम कीजिए हम पे, ना सही अपने होने वाले बच्चे पे तो रहम कीजिए, हमें ऐसे छोड़ के मत जाइए। तुम्हारा हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं, मैंने तुम्हें तलाक दे चुका हूँ। और मदरसे में तो तुम पढ़ी हो ना, उतना तुम जानती हो। और रही बात इस बच्चे की, तो ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए, चाहो तो तुम इसे गिरा सकती हो। And now just get lost. Go. दोस्तों, हमारे देश में हजारों बेटियों की जिंदगी तीन तलाक की कुप्रथा के कारण बर्बाद हुई है, लेकिन अब नहीं। 2019 में हमारे संविधान में संशोधन के बाद तीन तलाक को ना सिर्फ गैर कानूनी अपराध की श्रेणी में लाया गया है, बल्कि अब उसके लिए 3 साल की सजा भी सुनाई दी जाती है। सभा को अपने अधिकार के बारे में कुछ नहीं मालूम था। अगर वो थोड़ी सी जागरूक हो, अच्छी तालीम उसे मिलती, तो शायद रिजवान की इन ज्यादतियों के खिलाफ लड़ने के लिए उसके अंदर हिम्मत आ जाती है। वो इस तरह बेबस होकर खामोश नहीं बैठती। लेकिन अब यहाँ से सभा का क्या होगा? क्या वो अपने हक के लिए लड़ पाएगी? क्या उसे कभी इंसाफ मिल पाएगा? क्या वो एक आत्मसम्मान और इज्जत भरी जिंदगी जी पाएगी? आइए देखते। सबा, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बोल तो सही। दीदी, इन्होंने ना हमें 3 तलाक दे दिया है। क्या? 3 तलाक? ये तो गैर कानूनी है, इसके लिए उसको जेल भी हो सकती है। दीदी, आप बताइए ना, अब मैं क्या करूं? तू ऐसा कर, तू रुक, तू ले ये पैसे पकड़, अपनी अम्मी के पास चली जाओ। वो रिजवान से बात करेंगे तो ही ठीक होगा। तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था ज़बा। रिजवान के हाथ पैर जोड़ती, उसकी मिन्नतें करती, वो समझ जाता, मान जाता। सुबह का गुस्सा अगर शाम तक ठीक हो जाता है तो कुछ नहीं होता, पर तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। तू फौरन अपने शौहर के पास लौट जा ज़बा, लौट जा। नहीं अम्मी, रिजवान जी हमें वापस नहीं लेंगे। तो समझने की कोशिश कर सबा, तेरी और भी बहनें हैं, अगर किसी को पता चला कि रिजवान ने तुझे तलाक दे दिया है तो मैं उनका निकाह कैसे करूंगी? उनके रिश्तों में दिक्कत हो जाएगी। तू अपने शौहर के पास चली जा, माफी मांग ले उनसे। रिजवान की चौखट पे अगर तुझे थोड़ी भी जगह मिले ना तो रह लेना। कहते हैं कि एक बार माँ बाप के घर से बेटे की डोली चली जाए ना तो उसके शौहर के घर से उसका जनाजा ही निकलता है। लौट जा मेरी बच्ची, लौट जा। आज ही काजी से मिलकर तुम दोनों की निकाह की तारीख पक्की करवाती। आप ऐसा नहीं करवा सकती है, 3 तलाक गैर कानूनी है। मैं आज भी रिजवान की बीवी हूँ और रिजवान आप मेरे रजामंदी के बगैर दूसरा निकाह नहीं कर सकते। तेरी इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? रिजवान तुम्हें तलाक दे चुका है और वो जिससे चाहे उससे निकाह कर सकता है। चल निकल यहाँ से। कोई नहीं निकाल सकता है सबा को इस घर से। आपको पता नहीं है 3 तलाक गैर कानूनी है? वो तो शुक्र मनाइए कि इसने अभी तक आप पे कोई केस नहीं किया, नहीं तो आतापर्यंत तुम्ही जेल मध्ये असता, ते पण 3 वर्षासाठी। अरे किस किस्म के लोग है आप? लड़की प्रेग्नेंट है आणि तुम्ही असे बिहेव करताय तिच्या सोबत। वो क्या है ना इंस्पेक्टर साहब, वो मियाँ बीवी की बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और सबा भी तो बिना बताए चली गई ना। बस बस इतने नाटक करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। एक एक को अच्छे से पहचानती हूँ मैं। अपनी बहू को अच्छे से संभाल के रखिएगा और आगे से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। ये तेमी सबा, ये ले बेटी, कुछ खा ले। तूने सुबह से कुछ खाया नहीं है, बच्चे की सेहत पे असर होता है। मुझे माफ कर देना, इस शहर की हवाई कुछ ऐसी है कि इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन तुम टेंशन मत ले, अब तुझे इस शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे हम। मुझे माफ कर दो सबा, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया और उसके बाद भी तुमने मेरे ऊपर कोई भी केस दर्ज नहीं किया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पुलिस के पास जाना तो मेरी मजबूरी थी। मैं आपको जेल भेजना तो अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। बीती बातें भूल जा बेटी, जो हुआ सो हुआ। अब आने वाले मेहमान के बारे में सोच। अरे मेहमान से याद आया, तुझे दवाई देना तो भूल ही गई। ये मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स हैं, ये बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं और तेरी भी ले, और इसे दूध के साथ ले। क्या हुआ सबा? अचानक पेट में बहुत जोर से दर्द हो रही है। बैठ जाइए। सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? इन्हें मिसकैरेज हुआ है। हेलो, ये किसकी नजर लग गई इसको? अभी तो घर में खुशियां आई थी। खुदा की मर्जी के आगे किसकी चली है बेटा, लेकिन तू हिम्मत मत हार। मेरे साथ भी 2 दफा ऐसा हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तेरी गोद वापस फिर भरेगी। रिजवान, सबा से तेरा निकाह करके मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी ना। अब आबाद भी मैं ही कराऊंगी। दवा ने तो अपना काम कर दिया और अब मैं मौलवी से मिलकर ये कहूँगी कि सबा की लापरवाही की वजह से उसके बच्चे की जान गई है। इसे तुम्हें तलाक आसानी से मिल जाएगा। इशरत को मैंने निकाह के लिए रेडी तो कर लिया है, पर मुझे डर है कि वो ज़्यादा दिन रुकेगी नहीं। आप मौलवी के चक्कर में मत पड़िए, हमें सबा को जान से मारना होगा। जान से मारना होगा? पर पकड़े नहीं जाएंगे? पकड़े तो तब जाएंगे ना जब मर्डर प्रूफ होगा। अगर सबा ने सुसाइड किया तो? सुसाइड? या सुसाइड। अरे सबा, इधर आओ, आओ बैठो। पता है आजकल कोर्ट में ना मैरिज रजिस्टर्ड करना बहुत जरूरी हो गया। उसी के लिए ना अपनी हैंड राइटिंग में रिटर्न एप्लीकेशन डालनी जरूरी है। अब मुझे तो पता है तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तो एक काम कर सकती हो, तुम कॉपी तो कर सकती हो ना। तो मैंने क्या करा है, मैंने लैपटॉप के अंदर पूरा का पूरा लेटर जो है टाइप कर दिया। तुम इसे एज इट इज पेपर पे लिखना और यहाँ पर नीचे सिग्नेचर कर देना, ठीक है? हम कुछ नहीं कर रहे, कर तो तुम रही हो। सुसाइड। उठाओ इसे, उठाओ। अगर मुझे तलाक देकर चली गई होती तो आज तुम अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। आप नहीं कर सकते मेरे साथ ऐसा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। उठाओ इसे। क्या हो रहा है? छोड़ो उसे। कानून को गुमराह करोगे? हैरान हुआ कि पुलिस कैसे आ गई। आपके ताने जिल्लतों का एक ही अच्छा असर हुआ था मेरे ऊपर कि मैंने मीना दीदी से अंग्रेजी सीख ली थी। अरे वाह सबा, तुम तो इतने कम टाइम में इतना सीख गई। अच्छा चलो ये देखो, ये इस ऐप में ना तुम कुछ भी इंग्लिश में बोलोगे ना तो ये तुरंत हिंदी में जवाब देगा। सच में? हाँ। थैंक यू दीदी। दीदी आपने तो मेरी जिंदगी आसान कर दी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। दीदी मानती हो तो एहसान कैसा। पर मुझे ये बताओ तुम ये सब कुछ छुप छुप के क्यों सीख रही हो? सरप्राइज देने के लिए। जब रिजवान जी को पता चलेगा कि हमने अंग्रेजी सीख ली है तो कितना खुश हो जाएंगे ना वो। क्या हुआ? तो बिल्कुल खुश नहीं हुए। एप्लीकेशन लिखते वक्त मुझे कुछ शब्द खटके तो मैंने ऐप पे उसे हो जा। तो मुझे पता चला कि आप मुझे मारने की साजिश कर रहे हो, तो मैं जाके पुलिस से मिली। सबा, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, बस अपना फोन ऑन रखना। हम तुम्हारा घर के बाहर ही इंतजार करेंगे और जैसे ही रिजवान तुम्हारे साथ कुछ करे हमें मदद के लिए पुकार लेना। हाँ हाँ, हम लोग बाहर ही हैं। जी। क्या कर रहे हो? बचाओ! चलो गिरफ्तार कर लो इन सबको। चलो लो। चलो अगर वक्त रहते सबा की माँ उसका साथ देती तो उसका बच्चा जिंदा होता, लेकिन आखिर में सबा की सूझबूझ की वजह से उसकी जान बच पाई। रिजवान बहुत ही पढ़ा लिखा और संपन्न था, लेकिन उसकी मानसिकता हमारे समाज में पुरुष प्रधान सोच को दर्शाती है, जहाँ पत्नी का ना कोई अपना वजूद होता है और ना ही कोई अस्तित्व। पत्नी का काम सिर्फ अपने पति के इशारों पर चलना होता है। फातिमा एक औरत होने के बावजूद भी दूसरी औरत का दर्द बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी। अपने बेटे के प्यार में वो इस कदर अंधी हो गई थी कि अपने बेटे की ज्यादतियों को उसने नज़रअंदाज किया और इस क्राइम में उसका साथ भी दिया। दोस्तों, 3 तलाक जैसे रूढ़िवादी नियम हमारे समाज के लिए एक कलंक है। सरकार ने अपनी तरफ से कड़ा कानून बनाकर अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन अब ये हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों को जागरूक करें और इस कानून के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। रिजवान और उसका परिवार अपनी गलतियों की सजा भुगत रहा है, तो वही दूसरी तरफ सबा पुलिस की मदद से वोकेशनल ट्रेनिंग ले रही है ताकि वो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सके। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। इस वादे के साथ एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।